हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड, मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आज बनाने वाली हूँ मिक्स वेज खिचड़ी, जिसके लिए मैंने इतने सारे वेजिटेबल कट करके रखा है। गोभी भी था, गोभी नहीं काटी हो ना, गोभी में कीड़ा है ना, देख रहे कीड़ा तो है। हाँ, इतना सारा कीड़ा है जी, नहीं बहुत सारा कीड़ा है, इसीलिए गोभी नहीं काटे, उसको आराम से धो के। और ये मिक्स वेज में सब्जी बनाऊंगी, जिसमें बैंगन है, भिंडी है और तोरी है, घ्यूरा है, आलू है, ये सबका मिक्स सब्जी बनाऊंगी। आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं खिचड़ी किस तरीके से बना रही हूँ। तो गाइज, हम इसमें रखे हैं तेल, सरसों का तेल है। और आप मतलब या तो आप ऊपर से भी घी रख सकते हैं, या तो फिर खिचड़ी में भी घी, क्योंकि घी के बिना ना खिचड़ी तो अधूरा होता है। ये देखिए, हमने क्या इसमें घी रखा है, उसके बाद रखा है जीरा, तेज पत्ता, उसके बाद ये है हमारी लाल मिर्च, जो ऐसे तोड़ के और ऐसे डाल दे रहा है। हाँ जी, उसके बाद ये है लहसुन और अदरक, बंद कीजिए ना थोड़ा सा। और ये मैंने डाल दिया इसमें प्याज, और उसके बाद मैंने जो इसमें कूटा था ये डाल दिया। और ये खिचड़ी फ्रेंड खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि पता है आपको मेरे हस्बैंड को ना मतलब एकदम प्लेन खिचड़ी दे दीजिएगा गाइस तो वो नहीं खाएंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करें मटर, और मेरे पास एक ही छोटा टमाटर है गाइस, मैं क्या करूँ, यही टमाटर मुझे डालना पड़ रहा है। और इसके लिए आलू, बैंगन और ये है शिमला मिर्च, इन सबको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो गाइस, इसमें रखे हैं तेल और ये बनाने वाले मिक्स वेज सब्जी, ये सारा सब्जी को मिला के बनाए। इसमें रखे हम सरसों, और सरसों जब तक जाए तो दूर भाग गए, उसके बाद यहाँ मिर्च है और प्याज है, तेज पत्ता, ये ऐड करने का तेज पत्ता करेंगे। और ये है लहसुन, ढेर सारा लहसुन डालना है, तो ढेर सारा लहसुन मेरे सभी स्वाद जो है ना अच्छा आता है। हमारा ये सब्जी भी भून रहा है, देखिए ये अच्छे से थोड़ा सा 2 मिनट और भून जाएगा, इसमें दाल चावल जो होता है ना उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें डालना है आपको ये सारा मिक्स सब्जी जो है सब डाल देना है, धो करके। हाँ, धो करके, सब्जी धोया हुआ है। वीडियो नहीं बनाते ना, मेरे से सब कुछ झगड़ा हो जाता है, इसलिए मन नहीं करता। आप लोग बोलते ना कि अपने हस्बैंड से वीडियो शूट करवाइए, हस्बैंड से कोई घर में नहीं है तो उसको तो मुझे 5-10 मिनट का वीडियो शूट करवाइए, लेकिन हम आपको सच बोले फिर मेरे से झगड़ा ही हो जाता है वीडियो शूट कराते कराते हैं। जितना का मेरा वीडियो नहीं बनता है उतना तो मेरे ये खून जला के रख देते हैं, खून पानी हो जाता है, काला हो जाता है। तो ये थोड़ा सा फ्राई होगा, उसके इसमें हल्दी नमक सब ऐड कर देंगे। अभी फिलहाल हम इस, ये मेरा रोस्ट हो चुका है अच्छे से, और फिलहाल हम दाल चावल निकालते हैं। कर रखे हैं यहाँ पे, हम लिए मसूर का और क्या कहते हैं इसको, मूंग, मसूर और मूंग का दाल। यहाँ पे हम थोड़ा सा राइस ले रहे हैं इतना सब, उतने रखूंगा। हस्बैंड से झगड़ा करने के चक्कर में गाइस गोटा गया मसाला नहीं जलाया, तो अभी हम बस ये डाल देंगे और ये दालचीनी डाल देंगे बस। इनसे झगड़ा जिसके चक्कर में ना, इसीलिए इसे वीडियो ना शूट कराने का मन नहीं करता है, इतना बोलते हैं ना वीडियो के बीच में भूल जाते हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे हम लोग हल्दी, हल्दी ऐड किए है, और उसके बाद थोड़ा सा मसाला, मसाला ज़्यादा हम खिचड़ी में नहीं डालते फ्रेंड, क्योंकि हमको ज़्यादा मसाला ना खिचड़ी पसंद नहीं है। गरम मसाला डाल दिए थोड़ा सा, और यहाँ पे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिसे थोड़ा सा और ये लिए देख, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा डाल, टमाटर देखिए, नमक चम्मच, मेरे पास छोटा टमाटर,
छोटा टमाटर ऐड करें, हस्बैंड को टमाटर ही भूल बोल रहे हैं, ये छोटा टमाटर ऐड करते हैं। तो छोटा टमाटर ऐड के बाद हम ले चावल, ये सब डाल के नहीं ऐसे करने वाला हाँ अब इसी में शुरू करेंगे। गाइस ये मिक्स वाले सब्जी में अब मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी, और मैं थोड़ा ही तेल में सब्जी बना रही हूँ क्योंकि आजकल हम लोग थोड़ा सा तेल ना टाइम कम कर दिए हैं। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ये मिक्स मसाला बस, और इसमें ऐड करेंगे नमक। ये देखिए थोड़ा सा ऐड कर दिए नमक, और ये सब्जी ना खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, ये पूरा गल के ना इतना सा हो जाएगा फ्रेंड। चलिए खिचड़ी में रख देते हैं पानी, खिचड़ी का कलर देख सकते हैं कितनी, खिचड़ी में पानी और थोड़ा सा एक चम्मच घी भी डाल देंगे ऊपर से, और इसको अच्छे से लगा देंगे गाइस सीटी। अच्छा देखिए ये सब्जी भी हमारा रेडी हो गया, इसमें भी पानी ऐड कर देंगे। इसमें भी हम पानी ले लिए हैं और हाँ इसमें भी पानी हम ऐड कर देते हैं क्योंकि तो पानी थोड़ा डालेंगे ना, कम तेल में सब्जी बनाइएगा ना तो थोड़ा सा वही होता है, पानी वानी थोड़ा सा डालिएगा तभी अच्छे से ये पकेगा। ये हो गया है और इसको हम ढक देंगे, अभी 10 मिनट में हमारा खाना जो है रेडी हो जाएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो फ्रेंड तो प्लीज चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे मेरा नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगा। और मैं लॉन्ग वीडियो भी डाल रही हूँ, ये नहीं कि आप ये वीडियो देखकर सोचें कि बस यही वीडियो आ रहा है, ऐसा नहीं है, मैं लॉन्ग वीडियो भी डाल रही हूँ, शॉर्ट वीडियो भी डाल रही हूँ, बस आप लोग ढेर सारा ऐसे प्यार देते रहिए। बाकी आप सबकी रिक्वेस्टेड वीडियो जो है ऐसी याद रहेगा, तो बाय बाय।